झुंझुनू के नज़दीकी गांव बेबासर का रहने वाले राकेश कुमार पिछले 10 साल से गिटार बजा रहे हैं, साथ में गाना भी गाते हैं। राकेश कुमार हाल ही में 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके वापस झुंझुनू लौटे हैं। उन्हें काफ़ी खुशी है कि वो अपने आइडल, जिन्हें देखकर उन्होंने गाना सीखा, उनसे मुंबई में मिल के आए हैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मेरा नाम है राकेश बलोदिया और मैं रहने वाला हूँ अपने यहीं राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बिबासर गांव से। और मैंने हाल ही में झुंझुनू से मुंबई की 1200 किलोमीटर की सोलो साइकिल राइड कंप्लीट की रही है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक फैन मानता हूँ कुमार सानू, जिनको सब 90s का एक किंग मानते हैं सिंगिंग में। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना उसको उनको एक स्पेशल वे में एक ट्रिब्यूट दिया जाए, कि उन्होंने जो काम किया ना, उस काम की वजह से पता नहीं कितने लोगों को सुकून मिलता है, मतलब गाने सुन सुन के। तो मेरा एक स्पेशल वे था कि मैं कुछ अलग वे में उनको ट्रिब्यूट दूं, तभी इसलिए मैं यहाँ से निकला था उनको साइकिल पे। कितने साल से आप गा रहे हो और उसके साथ में गिटार बजा रहे हो? मैं पिछले 11 साल से गिटार बजा रहा हूँ और साथ में गा भी रहा हूँ। मैंने बचपन से कुमार सानू दा है उनको एडमायर किया था, तो उनको सुन सुन के मेरे अंदर एक जागी हुई है कि मतलब मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट म्यूजिक में था, तो मेरा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने गिटार सीखा सबसे पहले, और सिंगिंग मैंने कुमार सानू दा है उनके गाने सुन सुन के उनको ऑब्जर्व कर करके सीखी, और फिर मैं इसी के साथ शुरू हो गया। अभी मैंने जो प्लानिंग की थी वो सबसे पहले मैंने घरवालों के साथ शेयर की, तो घरवालों ने फुल सपोर्ट किया था कि तुमने आज तक जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। तो मैं यहाँ से जब निकला, तो निकलने के बाद उनकी टीम को पता चल गया था कि मैं ऐसे सानूदा ने खुद चौथे दिन जब मैं निकला था उसके चौथे दिन अपने इंस्टाग्राम पर मेरा वीडियो पोस्ट किया था। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उनकी जो टीम होती है उन्होंने मुझे अप्रोच किया फ़ोन कॉल करके, और उन्होंने एक वो कहते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि आप उस दिन कितने बजे आ जाइए। फिर उनके बाद मैं वहाँ पे गया और सानूदा से मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि एक पूरा इतने सालों का मूवमेंट है वो सब मेरी आंखों में आ गया था जब मैं उनके गले मिला। इतनी लंबी जर्नी हो गई, इतना लंबा कैरियर था मेरा भी 10-11 साल का, सारा मेरी आंखों में आ गया और मैं रो पड़ा था वहाँ पे। मैंने किसी को नहीं देखा कि कितने मीडिया वाले आए हैं, कितने उनके दोस्त लोग आए हैं, मैं रो पड़ा। सानूदा ने खुद चुप कराया कि बस ठीक है, इतना सामने देखो, मेरे को चेहरा दिखाओ। तो मैं एकदम चुप हुआ फिर बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो जब आप किसी को एडमायर करते हो बहुत ज्यादा और फिर वो आपके सामने आ जाए अचानक क्या आप मेहनत करके पहुंचते हो वहां तक। मतलब एक कहते हैं ना, आप किसी मंजिल को पा लेते हो तो कितना क्या इमोशन होता है, वही मेरे साथ। आगे अभी क्या प्लानिंग है? अभी मेरा बहुत बड़े बड़े मैंने प्लान कर रखे हैं अभी, और बहुत स्ट्रांगली प्लान कर रखे हैं। मेरा एक गाना अभी कुछ दिनों पहले आया था क्यों मैं ठहरा नाम से, और मेरे 3 से 4 गाने अभी फ्लोर पे हैं जो कि अभी बस रिलीज होने वाले हैं, और इसके साथ बहुत सारे एक सीक्रेट भी प्लान है मेरा। बड़े म्यूजिक ऑडिशंस जो होते हैं उनमें भी जाने का कोई इरादा है? अभी है मेरा, पहले मैंने कभी नहीं किया ऑडिशन वगैरह। काफी लोग मुझे कहते थे कि तू ऑडिशन क्यों नहीं करता, तो देखो मैं खुद को तैयार नहीं मानता था, अब मैं मान रहा हूँ। आगे क्या रिजल्ट रहता उनका मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना आइडिया नहीं है, पर मैं अब ना पूरे जोशो हवास के साथ उसके वहां पे मैं अपना ऑडिशन दूंगा, जैसे इंडियन आइडल का भी होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ आपके पास।